स्कूल के लिए रेडी और शहजाद मुझे छोड़ने के लिए जाएंगे। और पीछे देखें, कल मैंने कपड़े धोए थे काफ़ी सारे, तो आपको पता आजकल एक दिन में तो कपड़े सूखते ही नहीं है। वो अभी फिर मैं जब स्कूल चली जाऊंगी ना, फिर बाहर डालेंगे कपड़े। धूप निकल आई आज सुबह सुबह वैसे ना, तो कपड़े फिर बाहर डालेंगे तारों पे। तो वैसे काफ़ी हद तक कपड़े सूख गए हैं। और अभी मैं स्कूल जा रही हूँ, फिर स्कूल आके आपसे मिलूंगी। और किजिया को भी उठाना, और किजिया आज उठ ही नहीं रही, पता नहीं उसको क्या हुआ। और ये देखे मेरा मुन्ना छोई छोई गड़े छोई गड़े मामा की जान। किजिया मामा की जान, मामा की जान, मामा की जाने छोटी सी जाने, मम्मा की तो जाने छोटी छोटी जान। जानू मामा का परिंदा, मामा का छोटा परिंदा, उठ जाए मामा का परिंदा, उठ जाए मामा की जानू। चुन्नी बाकुन इधर आ जाओ, मामा के पास आ जाओ, मामा के पास आओ टारू। कम कम बेबी कम, हाय कर दो, हाय कर दो, हाय कर दो यार। अभी बात करने के मूड में नहीं है, तो मुझे अभी जल्दी जल्दी करना है क्योंकि हम मैं और यू लेट। और शहजाद आप भी हाय कर दो। हाय कैसे हैं आप सब? किजिया तो भी हाय कर। नहीं वो मूड में नहीं है। तो मैं जल्दी जल्दी अभी बाल बना लूं। कर रही है। बाल बना लूं फिर, क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया। मैंने 7:45 निकलना और 8:15 तक मैंने स्कूल पहुंचना है, तो मैं फिर जल्दी करती हूँ। तो अभी जाने लगी हूँ स्कूल, रेडी हो चुकी हूँ। और देखें आज बाहर धूप निकल आई है अभी सुबह सुबह ही। मैं लेट हो रही हूँ, अभी चलती हूँ जल्दी जल्दी। बाहर निकले तो बहुत सर्दी लगती है सुबह सुबह, है ना? घर में नहीं इतना पता चलता। और जैसे ही हम गाड़ी में बैठते हैं ना, तो किजिया ना उसकी आदत है दुद्दू पीने की, अभी बैठते हैं तो बोलती है डुड्डू डुड्डू। आजकल हमारी गली में बहुत रश हुआ है गाड़ियों का, क्योंकि हमारी जो बैक साइड वाली गली है ना, वहाँ पे सीवरेज के पाइप डल रहे हैं ना शहजाद। तो सीवरेज के पाइप डल रहे हैं, तो वो उस गली के गली, तो उस गली के लोग भी सारे के सारे हमारी गली में ला के गाड़ियाँ पार्क कर रहे हैं, तो रश बहुत ज़्यादा हुआ हमारी गली में। अभी हम रुके हैं गाड़ी के टायर्स की हवा चेक करवा रहे हैं यहाँ पे। और लाहौर में शॉप्स जो है ना वो जल्दी नहीं खुलती हैं, और 8:00 ना शहजाद, लेकिन फिर भी अभी तक नहीं खुली है। नाश्ते वाली बस खुली होती है, बाकी नहीं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। और अभी मैं आई हूँ स्कूल से, और अभी हम खाने लगे हैं खाना। और पुलाव मैंने रात को बना लिया था, वही पड़ा हुआ था, अभी वही खा रही हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद मैं बनाने वाली हूँ कड़ी और पकौड़े। और किजिया और शहजाद खा रहे हैं पुलाव, और किजिया खा रही है अमरूद। यामी किजिया, यामी इट्स यामी यम 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 यम। आप बाबा जी की डॉल हो, डॉल हो बाबा की, बाबा की डॉल हूँ मैं। मैं बाहर भागा जा रहा हूँ।
आज बहुत धूप लगी हुई है तेज। मैं बनाने लगी हूँ कढ़ी, और सिंपल सा तरीका कढ़ी बनाने का बताती हूँ आपको। मैंने लिया आधा किलो दही लिया, और उसमें तीन से चार मुट्ठियाँ जो है ना छोटी वाली, वो भर के आपने बेसन की डाल देनी है, और उसको अच्छी तरह फेंट के ना उसके अंदर जितना भी आपने पानी डालना है ना वो डाल के फिर ऊपर रख देना, और उसके बाद तड़का लगा के उसके अंदर डाल देना। तो ये मैंने थोड़ा सा दही लिया, ठीक है, इसको अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया हुआ है, और ये साथ में थोड़ा सा बेसन लिया। अब बेसन को जो है वो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, और उसके साथ साथ ही मैं चम्मच चलाती जाऊँगी ताकि गुठलियाँ ना बन जाए, ठीक है। और उसके बाद इसमें पानी शामिल करके फिर इसको अच्छी तरह से, अगर किसी के पास वो मदानी है ना, अगर उसके साथ करोगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब मैंने चार मुठियाँ इसमें ऐड की हैं, और अब मैं इसको अच्छी तरह से जो है वो फेंट लूँगी। मेरे पास फोक है, मेरे पास मदानी नहीं है, तो मैं एक हाथ से हो नहीं रहा, मैं इसको फेंट के फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये मैंने इसको अच्छी तरह से ऐसे कर लिया है, ठीक है, इसकी कोई गुठलियाँ वगैरह इसमें नहीं है। अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी और इसको एक बार फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो ये हमारी मेन चीज़ जो थी ना वो तो हो गई रेडी, ठीक है। आधी देगची मैंने की है, क्योंकि इससे कम नहीं मैं रख सकती थी, क्योंकि फिर वो ज़्यादा गाढ़ी सी हो जाती है, और इससे ज़्यादा पानी नहीं कर सकती मैं, क्योंकि फिर वो ज़्यादा लाइट सी हो जाती है। तो आधी देखिए ये अब मैंने साइड पे रख दी। अब मैं आम जैसे तड़का वगैरह लगाते हैं ना, वैसे ही हांडी का तड़का लगाना है, और तड़का लगाने के बाद ना इस मिक्सचर को उसमें ऐड कर देना, तो फिर ये पकता रहेगा हल्की हल्की आंच के ऊपर। तो तड़का मैंने लगा लिया है, और ये सारा मिक्सचर जो है ना वो इसमें ऐड कर देंगे, और इसको हल्की आग पे पका लेंगे, ठीक है, हल्की हल्की आग पे पकाएंगे, वरना बेसन जो है ना वो कच्चा रह जाएगा, पकेगा नहीं, ठीक है। कढ़ी जो है वो तकरीबन बन गई है, और पहले आ रही थी दूसरी वाली गैस और वो बंद हो गई है अब, तो मैं पकौड़े बना रही हूँ सिलेंडर पे। आज शुक्र है बहुत दिनों के बाद जो है ना वो गैस आई थी, दूसरी सुई गैस आई थी, ठीक है। तो कीजिया भी मांग रही पकौड़ा, पकौड़ा खाना है कीजिया, कोई भी पैन जो था ना खाली नहीं पड़ा था, फिर मैंने तवे पे बना लिए। वो ले ले पकौड़ा मम्मा से, थोड़ा तोड़ कर पता नहीं वो खाएगी कि नहीं। खाएगी कीजिया, खाएगी पकौड़ा, हेलो नहीं किसिया को ना अमरूद इतना ज्यादा पसंद है ना, अब ये सारा दिन अमरूदों पे गुजारा करती है, और अमरूद ही खाई जाती है बस। तोता बन गई है। हाय कर दो, वो देख, हाय करो, हाय कर दो उधर, पापा को हाय करो, चल माओ। हम सेंटर में कड़ी रख के ना तो बैठे हुए, दूध पीना इसने, क्या कार्टून देखने चले लगा दे फिर। मैं बस आ रही हूँ, बस कड़ी बनने वाली है, कड़ी बनने वाली है, बस उसमें पकौड़े ऐड करने हैं, और फिर आपको फाइनल दिखाती हूँ मैं। फाइनली हमारी कड़ी जो है ना वो रेडी हो गई है, और इसकी निशानी ये है कि ये रेड रेड जो है ना कड़ी, एक तो साइडें छोड़ जाती है, दूसरा ये है कि इसके ऊपर ये रेड रेड आ जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर बस पकौड़े डालने वाले रह गए हैं, वो डाल के फिर मैं आपको चेक करवाती हूँ। तो ये है हमारे कड़ी और पकौड़े की फाइनल लुक, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मैंने ट्राई कर लिया था। और किजिया और शहजाद देख रहे हैं कार्टून, बाय कर दो किजिया, बाय कर दो बेटे।
हेलो। तो अगर आज का आपको व्लॉग पसंद आया हो, मेरी कड़ी बनाने का तरीका भी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। खुदा हाफिज। बाय बाय। खुदा हाफिज।